आज जो हम यहाँ पे कुल जमाती मतलब सारी जमातें मिलकर कलेक्टिवली जमा हुए हैं और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमने किया है, उसके पीछे तीन चार एजेंडे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सीरियस एजेंडा जो है वो मलून वसीम रिजवी का है। इसने पहले भी एक शर फैलाने की कोशिश की थी मगर वो कामयाब ना हो सका, और आज दोबारा जो है उसने एक किताब निकाली मोहम्मद के नाम से, जिसमें उसने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा बेहुरमती करी है और कुछ गलत चीज़ें इस्लाम को लेकर प्रोपोगेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा वसीम रिजवी है, जिसके लिए हम सारी जमातें सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उसको बैंड किया जाए और जो भी मतलब के सज़ा बनती है वो उसको दी जाए। पहली बात, पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा जो है हमारा वो ये है कि त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ, वायलेंस सबको मालूम है क्या हुआ, वायलेंस में जितनी भी जुल्म और ज्यादती की गई, और अब तो खैर ये बात खुल गई है, एवरीथिंग इज एक्सपोज नाउ, कि किस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे निशाना बनाया गया है। तो हमारी दूसरी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि UAPA का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो एक लीगल कानून बनाया गया है जिसे लीगल तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसका इलीगल और मिसयूज हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं और कई ऐसे हमारी इवन हमारी SDPI पार्टी के ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे और उनके ऊपर UAPA का एक जैसे कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाकर उनको बिहाइंड द बार्स डाल दिया गया है। तो दूसरा एजेंडा त्रिपुरा का वायलेंस, और दूसरी डिमांड के जितने भी लोगों को बगैर किसी वजह से और गलत इल्जाम में अंदर डाला गया है उनकी फौरन रिहाई हो जाए। ये तो दो बहुत अहम मुद्दे और बहुत अहम एजेंडे हैं जिनकी डिमांड लेकर आज पूरे गुलबर्गा की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ जमा हुई हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, और इंशाल्लाह अगर हम आगे भी इसी तरह काम करते रहे तो बहुत कामयाब रहेंगे। आज गुलबर्गा शहर में मुस्लिम चौक पर आज हम लोग एक एहतजाज कर रहे हैं। ये यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद ये है, जो त्रिपुरा में हो रहे हैं वायलेंस उसको रोकने के लिए, और दूसरी बात जो वसीम रिजवी नामी दरिंदा जो नाम मर्द है हमेशा से मुसलमान के खिलाफ अपनी गंदी जबान से बोलते रहता है, क्योंकि वो बोलेंगे ना, क्योंकि एक इंटरव्यू में बड़ी शान से कहता है बट्टू लगाकर कि मैं मुसलमान, मुझे कहने पे अपने आप को गलत गाली फील होती है। तो पहले तो मैं मुस्लिम के घर में परवरिश हुई है, मुस्लिम के घर में तो बड़ा हुआ है, तो आज तक मुस्लिम के घर में तक प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को मुसलमान कहने है, और तू ऐसा है जो जो हमारे मुसलमान के दुश्मन है, उसका गुलाम है, उसका दल्ला है, उसके तलवे चाटने वाला है। तो मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करती हूँ कि जो भी जो वसीम रिजवी जो नए नए मंसूबे चलाता है, कभी कुरान की इसमें गुस्ताखी करता है, कभी हुजूर की गुस्ताखी करता है, कभी फिल्म बनाता है, तो कभी हुजूर के नाम पे हुजूर के खिलाफ बुक्स बनाता है, तो ऐसे चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक इसको नहीं रोका जाए हम एहतजाज करते रहेंगे। और त्रिपुरा के जो वायलेंस हो रहा है वो वायलेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी उसके अंदर इंगेज है उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। और त्रिपुरा में जो भी वायलेंस होने के बाद जो भी UAPA एक्ट अननेसेसरी लगा रहे हैं उसको रोकना चाहिए। अभी देखिए कंगना रनौत जो एक देशद्रोही के बात करती है, बोलती है 2014 के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो बेवड़ी है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है। तो वैसे लोगों के ऊपर भी आप एक्शन लेना चाहिए। जब हम हमारे इंसाफ के लिए, हमारे मुसलमान के लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें UAPA एक्ट का एक्ट लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा मिसयूज़ हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। तो मैं लास्ट में हुकूमत हिंद से अदबन गुजारिश करती हूँ कि